दोस्तों लो समझ लो स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री के लिए टोटल 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 10। और इस सीरीज में हम टोटल 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी तक इसके हमने 9 पार्ट अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने टोटल 450 क्वेश्चंस मींस 450 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम 451 से चलेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो इस 500 क्वेश्चन की सीरीज को पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, और भरोसा दिलाता हूँ यदि आप इन 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 60+ क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 451 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक हमने इसके पिछले पार्टों में पार्ट 9 तक 450 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। अब हम 451 से चलेंगे। क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल के सैन्य प्रशासन में सैन्य वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है, ठीक है। ये तो बताना है, सिपाह सलार, ऑप्शन बी है सरखेल, ऑप्शन सी है मलिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरखेल, ठीक है। सल्तनत काल के सैन्य प्रशासन में सैन्य वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो सरखेल है। आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 452 कहता है 13वीं सदी में सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। देखो जो 13वीं सदी में सल्तनत काल का सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सिपाह सलार, ऑप्शन बी है मलिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी खान, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलिक के नाम से जाना जाता था। बी रहेगा राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 453 कहता है, ठीक है, 453 कहता है किस सुल्तान के द्वारा दीवान ए वक्क नामक विभाग स्थापित किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 454 दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने राजस्व को भूमि की नाप के आधार पर आधारित किया था, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी सिकंदर शाह लोधी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक की बात आई है तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम शासक और प्रथम वंश माना जाता है वो गुलाम वंश माना जाता है, ठीक है। कौन सा वंश माना जाता है, सबसे पहले गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ठीक है। गुलाम वंश का कभी कभी आवर्त तो मतलब कि समय काल भी पूछ लिया जाता है, कम से कम शासन काल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो शासन काल याद रखना, गुलाम वंश का शासन काल जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक था, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1206 से 1290 तक था किसका, गुलाम वंश का शासन काल। और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे या फिर गुलाम वंश के प्रथम शासक थे मान सकते हैं वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का प्रथम शासक या फिर इनका संस्थापक माना जाता है। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसमें राइट करते हुए कम बनता है इसलिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, तो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के प्रथम शासक। तो ये सारी बातें थी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 455 चर्चा क्या था, बताना है चर्चा क्या है, युद्ध प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, वित्त प्रणाली, या फिर डाक प्रणाली। देखो जो चर्चा है यह एक सिंचाई प्रणाली, क्या है, चर्चा एक सिंचाई प्रणाली है। याद रहेगा बी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल
सही जवाब। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 456। 456 कहता है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बरनी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। ठीक है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण दिया था वो इब्न बतूता ने दिया था। ठीक है, याद रहेगा इब्न बतूता ने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 457। 457 कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 458 कहता है, किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की? फिर से सुन लीजिए, किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है फिरोज शाह तुगलक, या फिर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 459। क्वेश्चन नंबर 459 कहता है, सर जोदार सल्तनत काल में कौन था? सर जोदार सल्तनत काल में कौन था? प्रधान अंगरक्षक, दासों का प्रधान, गुप्तचरों का प्रधान, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधान न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान अंगरक्षक। ठीक है, ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 460 है। ठीक है, 460 कहता है, सल्तनत काल के सिक्के टंका और जीतल किस धातु के थे? ठीक है, सल्तनत काल में जो सिक्के चलते थे टंका और जीतल किस धातु के थे वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर है सोना एवं कांस, बी है सोना एवं ताम्र, सी है रजत एवं ताम्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी कांस एवं तात्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना एवं ताम्र। ठीक है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 461 है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है? दिल्ली अभी बहुत दूर है, शेख सलीम चिश्ती, गाजी मलिक, उबैद, या फिर शेख निजामुद्दीन उलैया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन उलैया ने कहा दिल्ली अभी बहुत दूर है। याद रखना, शेख निजामुद्दीन उलैया ने कहा दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 462 है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा होने की घोषणा की? किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा होने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 463 कहता है, हनूज दिल्ली दूर अस्त यह कथन निजामुद्दीन उलैया ने किस सुल्तान को संबंधित करते हुए दिया था या फिर कहा था? ठीक है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, ठीक है, यह स्टेटमेंट निजामुद्दीन उलैया ने किस सुल्तान को संबोधित करते हुए ये दिया था? ठीक है, संबोधित कर रहा था, ये भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 464 कहता है, खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला जो प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था
वो था इल्तुतमिश। ठीक है, याद रहेगा इल्तुतमिश को खलीफा की मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 465। 465 कहता है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम किस सन में आक्रमण हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम किस सन में आक्रमण हुआ, 1306 ईस्वी, 1299 ईस्वी, 1296 ईस्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1306 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1296 ईस्वी में। ठीक है, 1296 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा, सी रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 466। दास वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त किस वर्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, दास वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति किस वर्ष प्राप्त हुई, 1206, 1207, 1208 या 9 या फिर 1210 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1208 एवं 9 में मुक्ति प्राप्त हुई थी किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात हमें याद आती है कि जो गुलाम वंश है इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा। देखो जो गुलाम वंश है इसमें जितने भी शासक थे वो कहीं ना कहीं अपने मतलब कि पुराने ज़माने में, ठीक है, जब उनकी पैदाइश हुई थी या फिर छोटी उम्र में वो दास हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, वो दास हुआ करते थे। उन्होंने जब जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने अपने आप में डेवलप किया और वो दास से दास का जो लेवल है उससे उठ करके शासक के लेवल तक, सुल्तान के लेवल तक पहुँचे। ठीक है, ये पहले दास हुआ करते थे, तो यही रीज़न है जो गुलाम वंश है इसका नाम गुलाम पड़ा, क्योंकि इसमें जितने भी सुल्तान थे ये पहले कहीं ना कहीं दास हुआ करते थे। तो ये छोटी सी बात थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 467 है, 467 है, गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया। देखो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बात आप लोग याद रखेंगे कि गुलाम वंश का जो शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है और ये गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है ना, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो इसने इसका संचालन किस स्थान से किया यह पूछा जा रहा है, लाहौर, दिल्ली, कन्नौज या फिर आगरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाहौर से, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 468। तुर्क ए चहल गानी का संबंध किस तुर्की शासक से है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तुर्क ए चहल गानी का संबंध किस तुर्की शासक से है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद या फिर ऑप्शन नंबर डी बलबन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 469। मंगोलों के प्रथम आक्रमण के समय किस सुल्तान का शासनकाल था, मंगोलों के प्रथम आक्रमण के समय किस सुल्तान का शासनकाल था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह। तो मंगोलों के आक्रमण के समय जो शासनकाल था वो इल्तुतमिश का था, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 470। क्वेश्चन नंबर है 470, दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। बहुत जाना माना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। कई बार मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, रजिया सुल्तान के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 471 नंबर, खिद्र खां के बाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है, खिद्र खां बाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है, रणथंभौर, एलिचपुर या फिर चित्तौड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी मारवाड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़। जो खिजरखाबाद है ये चित्तौड़ का परिवर्तित नाम है। ठीक है, चित्तौड़ को परावर्तित कर खिजरखाबाद कर दिया गया था, याद रहेगा सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 472।
472 कहता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के विषय में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है वो बताना है। फूता उस सलातीन, ऑप्शन नंबर बी है खजाइन नूल फूता, या फिर ऑप्शन नंबर सी तौकात नासरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी तारीख़ फिरोज शाही। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 473 कहता है पैगंबर का सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सल्तनत काल के सुल्तान ने की, मुबारक शाह खिलजी, या फिर खुसरो शाह, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खुसरो शाह। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 474 कहता है सल्तनत काल के पतन में किस मेवाड़ वंशी शासक का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से योगदान है, राणा सांगा, राणा उदा, राणा कुंभा, या फिर भोकल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा। ठीक है, इनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से योगदान था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 475। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर लगाते चलें। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं और जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मान लीजिए आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सचिवालय का प्रधान कौन सा अधिकारी होता था, मजूमदार, दबीर या सचिव, या फिर ख्वाजा, ऑप्शन नंबर डी है कोतवाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दाबीर या सचिव। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो सचिवालय का प्रधान होता था वो कौन सा अधिकारी होता था, दाबीर या सचिव, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 476 कहता है कि सल्तनतकालीन सुल्तान ने प्रांतपतियों के अधिकारियों को नियंत्रित करने एवं उनसे आय व्यय का पता लगाने की किसकी नियुक्ति की। फिर से सुन लीजिए, किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने प्रांतपतियों के अधिकारियों को नियंत्रित करने एवं उनसे आय व्यय का पता लगाने के लिए किसकी नियुक्ति की, ख्वाजा मुहतसिव, नाजिम, या फिर सदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा की नियुक्ति की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 477 कहता है सल्तनत काल के प्रशासन व्यवस्था में 100 गांव के समूह को क्या कहा जाता था, सदी, ख्वाजा, सचिव, या फिर नाजिम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सदी कहा जाता था। सल्तनत काल में जो प्रशासन व्यवस्था में 100 गांव के समूह को कहा जाता था वो सदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सदी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 478 है। क्वेश्चन नंबर 478 कहता है दीवान ए वाकूफ नामक प्रशासनिक संस्था की स्थापना किस सल्तनतकालीन शासन में ने किया। ठीक है, सल्तनतकालीन शासक ने किया, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर इल्तुतमिश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद रहेगा दीवान ए वकूफ नाम पर प्रशासनिक व्यवस्था की जो स्थापना की वो जलालुद्दीन खिलजी ने की, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 479 कहता है दीवान ए वकूफ नामक संस्था की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, इसका क्या कार्य था। ठीक है, इसका क्या कार्य था, कृषि विभाग, व्यय के कागजात को देख रेख करना, लोक निर्माण, या फिर विदेश विभाग। सही जवाब है बी ऑप्शन, व्यय के कागजात की देख रेख करना ही इसका कार्य था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 478। ठीक, दीवान ए रियासत नामक प्रशासनिक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज तुगलक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दीवान ए रियासत नामक प्रशासनिक व्यवस्था की जो स्थापना की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 481, किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण की शाला की स्थापना की गई, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोधी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने
सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना की थी। ठीक है, सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 482 रहता है, सल्तनत काल में राज्य की कारखानों को दो भागों में बांटा गया था, इसे किसने बांटा? ठीक है, सल्तनत काल में जो है राज्य की कारखानों को दो भागों में बांटा गया था, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको किसने बांटा था? जियाउद्दीन बरनी, आफीफ, इसामी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आफीफ ने इसको दो भागों में बांटा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 483 है, 483 कहता है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आरंभ किस सुल्तान के शासनकाल से होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ठीक है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 484 है, सल्तनत काल में केंद्रीय सेना को किस नाम से जाना जाता था या संबोधित किया जाता था? सल्तनत काल में जो भी केंद्रीय सेना होती थी उनको किस नाम से जाना जाता था और किस नाम से संबोधित किया जाता था? हरम ए कल्ब, ऑप्शन बी है कल्ब ए नाजिम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हरम ए एतरफ एतरफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरम ए कल्ब के नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में केंद्रीय सेना के सेना को। सल्तनत काल में केंद्रीय जो सेना थी, जो केंद्र में सेंटर में रहती थी सेना, उसको हरम ए कल्ब के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 84 85, दिल्ली सल्तनत के स्थापना के पतन तक किसने राजवंशों में ने शासन किया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के स्थापना से पतन तक कितने राजवंशों ने शासन किया? सबको पता होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और सी रहेगा राइट आंसर, 5 राजवंशों ने शासन किया, सबको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट मैं और बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने तो शासन किया, ये बात पता हो गई, लेकिन उन 5 राजवंशों का जो सीरियल वाइज, जो क्रम वाइज सीक्वेंस है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश आता है, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, याद रहेगा। और इसका जो शासनकाल था वो 1206 से 1290 तक था, कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक था। उसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है, जो शासनकाल माना जाता है, वो 1290 से 1320 तक माना जाता है। ठीक है, 1290 से 1320 तक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। इसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। ठीक है, इसके बाद हमारा तुगलक वंश आता है, और तुगलक वंश का जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं, और गयासुद्दीन तुगलक हैं, और यहाँ पर जो जिसका जो शासनकाल था वो 1320 से 1414 तक था, 1320 से 1414 तक था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वंश आता है, नेक्स्ट हमारा वंश जो आता है वो आता है सैयद वंश। ठीक है, वो कौन सा वंश आता है? सैयद वंश आता है। तो सैयद वंश के संस्थापक जो माने जाते हैं वो खिजर खां माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? खिजर खां। और इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1414 से, ठीक है, 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक? 1414 से 1451 तक। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो खिजर खां माने जाते हैं। और लोधी वंश की इसके बाद आता है हमारा लोधी वंश। ठीक है, लास्ट आता है पांचवें नंबर पर लोधी वंश, सल्तनत काल का जो समाप्त हुआ लोधी वंश के बाद सुल्तानों का शासन लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, लोधी वंश। अब लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं। इसका समय माने तो 1451 से 1526 तक। ठीक है, 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल माना जाता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बता दी हैं, यदि आप इतना भी कंफर्म कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपको इतने क्लियर हो जाएगा, यहाँ से पक्का 100% आता है क्वेश्चन, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई, इतने भी चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सारी एक्स्ट्रा बातें थी, एक्स्ट्रा फैक्ट थे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 486 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के पतन का क्या कारण है?
वंशों के बराबर परिवर्तन से राजनीति स्थिरता का बने रहना, वंशों के परिवर्तन से किसी वंश की पूर्ण प्रतिपूर्ण स्वामी स्वामी भक्ति के विकास का अभाव, महान शासकों की नीतियों का स्थायी रूप से लागू ना हो पाना, या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सारे कारण थे, तीनों याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 487 का सल्तनत काल का पतन किस वर्ष माना जाता है, मीन्स सल्तनत काल का जो समाप्ति है वो किस वर्ष माना जाता है, 1398, 1412, 1526 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1526 में सल्तनत काल का अंत माना जाता है, और सल्तनत काल का अंत जो है इसका लास्ट वंश जो था वो लोधी वंश था, 1451 से 1526 तक। इसके बाद सल्तनत काल का जो है पतन माना जाता है, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लास्ट शासक थे मिस लोधी वंश के जो लास्ट शासक थे वो भी आप जान लीजिए, इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का लास्ट शासक था, लास्ट सुल्तान था। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, कभी कभी पूछ लिया जाता कि इब्राहिम लोधी की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, इब्राहिम लोधी की मृत्यु कैसे हुई, तो ये इसका आपका जवाब हो जाएगा कि इब्राहिम लोधी की जो मृत्यु हुई थी ये 1526 में तो मारा गया था, बट जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें बाबर के हाथों इसकी मौत हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली सल्तनत काल में, और बाबर जहाँ थे इसकी मौत हो गई थी, तो दिल्ली सल्तनत का काल यहीं से समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें थी, दिल्ली सल्तनत का काल यहीं से समाप्त हो जाता है इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात। किसके हाथों मृत्यु हुई, तो बाबर के हाथों मृत्यु हुई। कब हुई मृत्यु, 1526 में हुई। किस दौरान हुई, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान हुई। ये सारी स्टफ बातें हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 488 कहता है, सल्तनत काल में किस शासक का शासनकाल चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी या फिर नसीरुद्दीन महमूद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महमूद मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है। अब यहाँ पर तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक या फिर अबुजक शाह या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 490, तुगलक वंश का कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसकी नीतियों में सल्तनत के पतन में सर्वाधिक योगदान की उत्तरदायी हैं, मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक या फिर अलाउद्दीन सिकंदर तुगलक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 491, 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों जब सल्तनत काल का पतन होता है तो उस समय किस वंश का शासन था, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ए रहेगा राइट आंसर, लोधी वंश। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 492 है, दिल्ली सल्तनत के पूर्ण पतन को किस युद्ध की पराजय को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के पूर्ण, जैसे कि अभी इसके बारे में हमने चर्चा की, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। दिल्ली सल्तनत के पूर्ण पतन को किस युद्ध की पराजय को माना जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पानीपत के तीन युद्ध हुए थे, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के प्रथम युद्ध से दिल्ली सल्तनत के पूर्ण पतन हुआ था। ठीक, इसका पूर्ण पतन हो गया था, और जैसे कि मैंने बताया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी मारा गया था। कब मारा गया था, 1526 ईस्वी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 493 कहता है, दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में कौन कौन से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में कौन कौन से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है जौनपुर का राज्य, ऑप्शन सी है मालवा का राज्य या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी राज्यों का जो है उदय हुआ था
कब हुआ था? दिल्ली सल्तनत के पश्चात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 494 कहता है मध्य एशिया का शासक तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया एवं भारी तबाही मचाई? 1397, ऑप्शन बी है 1398, ऑप्शन सी है 1399 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1396। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1398 ईस्वी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी राइट। राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 495 है 1370 ईस्वी में खानदेश राज्य के किस प्रजा प्रांतपति ने 1370 ईस्वी में खानदेश राज्य के किस प्रांतपति ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोष की? ऑप्शन ए है मालुक रजी फारूकी, ऑप्शन बी है आदिल खां फारूकी, ऑप्शन नंबर सी है जलाल फारूकी या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालुक रजी फारूकी, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 496 से दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर किस राज्य ने फारूकी वंश की स्थापना की? खानदेश, गुजरात, बंगाल या फिर कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 497 सल्तनत से स्वतंत्र होने वाले खानदेश की राजधानी क्या थी? सल्तनत से स्वतंत्र होने वाले खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर, असीरगढ़, एचिलपुर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 498 इब्राहिम लोधी के समय जो सल्तनत काल का अंतिम शासक था मालवा का समकालीन शासक कौन था? ऑप्शन ए महमूद खिलजी द्वितीय, ऑप्शन बी कादिर शाह या फिर नासिर शाह या फिर अहमद शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 499 भारत का कौन सा राज्य सल्तनत शासन में बहुत कम प्रभावित हुआ? उड़ीसा, बंगाल, बिहार या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। 500 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सल्तनत काल के पतन के समय विजयनगर का शासक कौन था पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, सालू नरसिंह, अच्युत देव राय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। तो इस तरीके से हमने टोटल 10 पार्ट में 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और पेपर में जाने से पहले 500 क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना। मैं बार बार कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप 60+ क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल इजीली तरीके से दे पाएंगे। तो एक बार देख लेना पेपर में जाने से पहले वीडियो को, और गारंटी देता हूँ कि 60+ क्वेश्चन के आंसर आप सही सही कर दिए आएंगे। ठीक है, तो यदि ये सीरीज पसंद आई हो, ये हमारे वीडियोज पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो सीरीज तो कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीक्वेंस में, तब तक के लिए नमस्कार। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।